वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और अपने घर में बहुत ज़्यादा आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार मसालेदार आलू कीमा। ये आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। लेट्स स्टार्ट। एक पैन में मैंने ऑयल लिया है एक कप, 1.5 कप मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं स्लाइस कटे हुए प्याज। 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिनको स्लाइसेस में कट कर दिया है, और ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसे पैन में शामिल कर दिया। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। आप सॉल्ट अपने हिसाब से अपने हस्बे ज़रूरत हस्बे जायके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हमने करना है प्याज को ब्राउन। ये देखिए जनाब, प्याज ब्राउन हो गए हैं। हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करना है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1/2 kg बीफ कीमा। 1/2 kg बीफ कीमा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। प्याज में कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करना है 2 मिनट के लिए इस तरह से। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ होममेड 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी स्लाइस कटे हुए टमाटर। 2 टमाटर लिए थे मैंने जिनको स्लाइस कट किए, और 4 हरी मिर्चें ली थी। अब हम इसे पकाएँगे भाप में। 10 मिनट मैंने इसे भाप में पकाए। ये देखें कीमे का कलर चेंज हो चुका है, टमाटर इससे स्टीम निकल चुके हैं। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए मसाले। 2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब आपने करना है इसे अच्छी तरह से मिक्स। आप ये सारे मसाले अपने हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका अपने मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये मेजरमेंट आपको 1/2 kg के हिसाब से बता रही हूँ। आपने इसी तरह से शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 गिलास पानी, और तकरीबन मैं कीमे को अब पकाऊंगी 20 से 25 मिनट के लिए। 20 मिनट मैंने कीमे को अच्छी तरह से पका लिया है, मसाले अच्छी तरह भुन गए हैं, तेल ऊपर आ गया है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 आलू। मैंने इस तरह से क्यूब स्लाइसेस में कट करके इसमें शामिल कर दिया है। मीडियम साइज़ आलू भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 गिलास पानी। और अब आपने मज़ीद इसे 20 मिनट पकाना है। आफ्टर 20 मिनट्स मसालेदार आलू कीमा रेडी है आपके सामने। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी अपना होममेड गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसमें ऊपर से मैं शामिल कर रही हूँ सूखी हुई पुदीना। सूखा पुदीना मैंने इसके ऊपर से शामिल कर दिया। अगर आपके पास ताज़ा है तो आप ताज़ा डाल दें, मेरे पास सूखा था तो इसलिए मैंने इसे सूखा ड्राई मिंट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, और अब हम इसे सर्व करेंगे 5 मिनट्स के बाद ताकि सालन का कलर ऊपर आ जाए। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। चले जनाब, अब हम इसे 5 मिनट के बाद सर्व करेंगे। आफ्टर 5 मिनट्स ये देखें, इट्स लुक वेरी डिलीशियस, और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। आप इसे इसी तरह से ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया है वो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। मुझे अपने दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।